गुजरात का वडनगर स्टेशन अब बनेगा एक अनूठा पर्यटन स्थल। जी हाँ, ये स्टेशन वैसे तो पहले से ही मशहूर था, लेकिन ये तब और मशहूर हो गया था जब लोगों को पता चला कि मोदी अपने बचपन में यहाँ चाय बेचा करते थे। उसके बाद से ही वडनगर एक अनऑफिशियल टूरिस्ट स्पॉट जैसा हो गया। आसपास से गुजरते लोग वडनगर रेलवे स्टेशन पर उतरते और यहाँ अपनी एकाध दो तस्वीरें जरूर खिंचवाते। लिहाजा अब इस अनऑफिशियल पर्यटन स्थल को एक ऑफिशियल पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी चाय की दुकान को सरकार पर्यटन केंद्र घोषित करने पर विचार कर रही है। ये वही चाय की दुकान है जिस पर देश के प्रधानमंत्री बचपन में चाय बेचा करते थे। खबर है कि सरकार पहले इसकी मरम्मत कराएगी और फिर इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि दुकान का असल स्वरूप बरकरार रखते हुए उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। आपको बताते चलें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के चाय वाला होने पर कई बार बातें हुई। मोदी ने अपने करिश्माई अंदाज से इसे एक मुद्दा ही बना डाला और इसका अच्छा खासा फायदा चुनावों में भी उठाया। अब मोदी की पुरानी चाय दुकान एक टूरिस्ट स्पॉट तो बन जाएगी, लेकिन लोगों के दिलों में एक दिलचस्प सवाल है, क्या मोदी की चाय दुकान के टूरिस्ट स्पॉट बनने के बाद भी यहाँ चाय मिलेगी? और अगर मिलेगी तो फिर कैसी होगी प्रधानमंत्री के नाम पर मिलने वाली चाय? खैर, ये जब भी होगा इसे देखना काफी दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।